नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इंजीनियरिंग, बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या 10+2 कोई तकनीकी शिक्षा प्राप्त करी है और आप फ्रेशर हैं या बेरोजगार हैं और आपको तलाश है रोजगार की, तो निराश मत होइए, क्योंकि भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा प्रतिपादित NATS नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम एवं BOAT बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के द्वारा आपको 1 साल की अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपकी शिक्षा के अनुसार कराई जाएगी, जो बिल्कुल निशुल्क होगी। इसके साथ आपको मंथली स्टाइपेंड वृत्ति का भी दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य आपको रोजगार दिलाना, आपकी ग्रोथ करना, आपका करियर बनाना, भविष्य की स्थापना करना। आप अपनी पढ़ाई को प्रैक्टिकली सीख सकें, निखार सकें और उसमें निपुणता प्राप्त कर सकें, यह होगा। इसमें जो आपको बेनिफिट होगा वो इससे आपको काम मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको जो कंपनी में अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा वो प्राइवेट, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की हो सकती है। ये ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात आपको भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप ऑनलाइन MHRDNATS.gov.in के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू गूगल बॉक्स में जाकर गूगल में आपको MHRDNATS.gov.in लिखना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले इसमें अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप इसमें एनरोलमेंट करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको एनरोलमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप ये अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार का पेज आ जाएगा। इसमें जो आपको 4 कॉलम होंगे, सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आप स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूशन है या इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो आप, मैं स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जी हाँ, देखिए अब आगे आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर IIM आप कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप क्वालिफिकेशन, जी कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डिप्लोमा या बीटेक जो आपने किया है, मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ईयर आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप इन जो ईयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसके अलावा उससे पहले के कोई साल हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको रेगुलर पार्ट टाइम डिस्टेंस किसके माध्यम से किया है, मैं रेगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस पर आपको नो करना, यू हैव अंडरटेक एनी प्रीवियस ट्रेनिंग एज पार्ट ऑफ द अप्रेंटिस। आपने अगर पहले कोई अप्रेंटिस कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना होगा। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर और मोर, एक या एक से अधिक साल का आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर इसमें अगर है आपके पास तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसमें नो सेलेक्ट करना होगा। अब आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेट्स, यू आर एलिजिबल टू एनरोलमेंट। तो इसके लिए अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि फॉर्मेट होना चाहिए JPEG साइज, जो 200 KB से छोटा होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए, क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए, उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो या फिर और जो फॉर्मेट में हो PDF, और साइज होना चाहिए 1 MB से छोटा। अब आप इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं आई अबाउट डेटा। अब आप जो इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे उस पर आपको OTP आएगा, वो OTP आपको इसमें लिखना होगा। उसके बाद आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें जो आपको 4 डिटेल देख रहे हैं, ये चारों आपको फिल करनी है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन, अब आप इसमें आपने एनरोलमेंट कर दिया है, अब जो भी कंपनी अप्रेंटिस कराएगी वो आपके पास आपके जीमेल पे या आपके मोबाइल पर आपको मेल मेल के थ्रू या आपसे संपर्क कर लेगी। तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपके पास वो खुद भी संपर्क कर सकती है या आपके पास आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो भविष्य में और पाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।